मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सैंडविच ब्रेड को हम घर पर किस तरह से बनाएं। आप देख रहे हैं कि मैंने घर पर कितनी बढ़िया इस सैंडविच ब्रेड को तैयार किया है। तो बस यही रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से हम मार्केट से ना तो ब्रेड ला पा रहे हैं, ना ही सैंडविच खा पा रहे हैं। और ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो कि खासकर बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बस घर पर ही बहुत हाइजीनिक तरीके से आज मैं आपके साथ सैंडविच ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपकी भी ब्रेड बनेगी, बिल्कुल स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। तो इस सैंडविच ब्रेड को बनाने के लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है 3 कटोरी मैदा। एक ही कटोरी का आपको इस्तेमाल करना है, जो भी आप बर्तन ले। आप देख सकते हैं, 3 कटोरी मैदा लेने के बाद दोस्तों, आपको इसमें डालना है 1/2 छोटी चम्मच नमक। वैसे ज़्यादातर घर की ही सामग्री से मैं आपको बता रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से ब्रेड का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 चम्मच शक्कर, यह ड्राई ईस्ट है दोस्तों, ड्राई ईस्ट, जो कि हमारी ब्रेड को बहुत ही बढ़िया खमीर जल्दी आता है दोस्तों, और ब्रेड बिल्कुल बाजार के जैसे ही बनती है। परंतु आपके पास इस समय ड्राई ईस्ट नहीं है तो परेशान ना होइए। आप एक इनो का 5 रुपये वाला पाउच लें और इसमें मिक्स कर दें ड्राई ईस्ट की जगह। तो नमक, शक्कर, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट डाला है मैंने, और बस अब धीरे धीरे आपको इसमें पानी डालना है और बिल्कुल नरम नरम सा आटा माढ़ लेना, जैसे हम चपाती का आटा करते हैं ना दोस्तों, नरम, बिल्कुल वैसी। बिल्कुल भी आप पूड़ी पराठे के जैसे कड़ा आटा ना करें। तो दोस्तों, बहुत आसानी से ये बन जाती है। परंतु मान लीजिए आपके पास मैदा नहीं है, तो आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। और मान लीजिए इनो नहीं है दोस्तों, तो आप बिना इनो के 1/2 चम्मच इसमें मीठा सोडा डाल दें, खाने वाला सोडा डाल दें, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर भी बना सकते हैं। परंतु आज मैं आपको ड्राई ईस्ट के साथ बता रही हूँ। 10 मिनट तक आपको आटे में इस तरह से लोच लगाना है। जितना बढ़िया आप इसे मसलेंगे, उतना ही बढ़िया हमारी जो सैंडविच ब्रेड बन रही है, उतनी ही स्पॉन्जी बनेगी, उतनी सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप देख रहे हैं, मैं भी अपनी हथेलियों से इसे प्लेटफॉर्म पर रख लिया है और खूब अच्छी तरह से इसे मल रही हूँ। 2-4 बार मैंने इसे पटक भी दिया है, ताकि अच्छी तरह से इसमें एयर आ जाए और जो हमारी ब्रेड है उसमें बहुत बढ़िया स्पॉन्ज आए। बस यहीं पर मेहनत है दोस्तों, कि हमें आटे को बहुत अच्छी तरह से मलना है। तो अब आप देख सकते हैं, आटा चिपकना बंद हो गया, यही इसकी निशानी दोस्तों। अभी तक आप देख रहे थे पूरे प्लेटफॉर्म पे चिपक रहा था, मेरे हाथों में आटा चिपक रहा था, बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है। इसका मतलब हमने इसमें बहुत बढ़िया लोच लगा दिया है, गूथ लिया है, मल लिया है। और बस अब आपको इसमें 2 चम्मच के करीब करीब तेल लगाना। आप देख रहे हैं, मैं बीच बीच में तेल लगाती जा रही हूँ, तेल के हाथ से इसे मलती जा रही हूँ। और फिर से मैंने 1 चम्मच ये तेल लगाया है। इसे ऊपर चारों तरफ से तेल से कवर कर दें। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा तेल लगाएं दोस्तों, ताकि इसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। और इसी बोल में कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा छोड़ दें। अभी आप डो को ध्यान से देखें दोस्तों, जब मैं 1.5 घंटे के बाद दिखाऊंगी आपको, तब आप देखकर आश्चर्य करेंगे, अरे ये तो इतना सा डो था, ये बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा कैसे हो गया। तो बस छोड़ दीजिए, पूरे 1.5 घंटे के बाद की शूटिंग। आप चाहे तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, यदि बच्चों को जल्दी है तो आप खुद देखिए दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अब इसमें करना है पंच, आप ताकि हम इसकी एयर निकाल सकें। वाह, आप देख सकते हैं दोस्तों, और ख़ासकर बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा है जब मैं ये ब्रेड बना रही हूँ। मेरे कहने से आप भी इस ब्रेड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। आप गेहूं का आटा ले सकते हैं मैदे की जगह, जैसे मैंने बताया, इनो ले सकते हैं, जो चाहें आप इसमें ले सकते हैं, अगर ड्राई ईस्ट नहीं है तो। और बिना ड्राई ईस्ट के भी मैं आपको ब्रेड बनाने का वीडियो जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो अब आप देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है कटोरे में से, प्लेटफॉर्म पर ले लिया, वापस इसके अंदर जितनी एयर भरी है उसे मैं निकाल रही हूँ। और अब आपको बेलन से इसे बेल लेना है। थोड़ा सा सरफेस पर मैंने मैदे की डस्टिंग कर दी, ताकि मुझे इसे रोल करने में आसानी हो। कोई भी डब्बा हो, एल्यूमिनियम का, स्टील का डब्बा भी, खूब अच्छे से उसमें ऑयलिंग कर लें, ग्रीसिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पर अपने डब्बे की लंबाई के बराबर, आप देख सकते हैं जितनी मेरे डब्बे की लंबाई है, बस वैसे ही मैं इसे बेल रही हूँ, ताकि डब्बे के अंदर ये जो हम सैंडविच ब्रेड बना रहे हैं अच्छी तरह से फिट हो जाए। बिल्कुल टाइट हाथ से आपको इसे रोल करना, पोला पोला नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल दबाते हुए ही मैं इसे रोल कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इस रोल के दोनों किनारों को पैक करना है कुछ इस तरह से, आप देखें।
और पे किनार है इसे भी आप खूब अच्छी तरह से दबा दें, कहीं से खुला ना रहे। और ये जो दूसरा किनारा आप देखिए ध्यान से, इस तरह से मैंने इसे रोल किया है, इसे पैक किया है दोस्तों। यदि हम पैक नहीं करेंगे तो हमारी ब्रेड उतनी अच्छी नहीं बनेगी, उसके सिरे खुल जाएंगे, किनारे से वो खुल जाएगी। और हम चाहते हैं बिल्कुल बाजार के जैसे ब्रेड जो है हमारी, उसका लोफ बिल्कुल वैसा ही बने। तो बस मैंने इस ग्रीस की हुई ट्रे में इस लोफ को डाल दिया है और बस इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस करें ताकि एक जहां जहां गैप लग रहा है, क्योंकि हमारा लोफ जो है वो थोड़ा सा सकरा था, इसलिए मैं हाथों से इसे दबा रही हूं ताकि पूरे टिन में एक जैसा आ जाए और ब्रेड भी जो हमारी बने वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में आए, इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी कोने दिख रहे थे मुझे खाली, मैंने खूब अच्छी तरह से दबा दबा के आटे को हल्के हाथों से, दोस्तों खूब टाइट हाथ से नहीं दबाना है, हल्का हल्का सा, वैसे भी आटा बहुत नरम है, खूब अच्छा तेल लगा दिया है, ऊपर से तेल की ब्रशिंग कर दी है मैंने और इसे मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था। बस आधे घंटे में आप खुद देख सकते हैं जो डो है वो कितना बढ़िया फर्मेंटेट हो चुका, कितना बढ़िया इसमें स्पॉन्ज आ चुका है। अब हम इसे रखेंगे बैक करने, कुकर में रखें, कढ़ाई में रखें, तपेली में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। कुकर में मैंने डाल दिया नमक। नमक हम इसलिए डालते हैं दोस्तों कि कुकर जले ना। आपके पास यदि नमक एक्स्ट्रा नहीं है तो ना डालें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और इस नमक को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुकर के अंदर जो बर्तन आपका सेट हो जाए पहले आप चेक कर लें, फिर उस बर्तन को सिलेक्ट करें। कुकर की विसिल मैंने निकाल दी है और इसे 30 से 35 मिनट के लिए आपको बैक करना है। तो पूरे 25 मिनट्स के बाद मैंने एक बार इसे चेक किया, मुझे थोड़ा कम फूला लगा है अभी, इसमें कम से कम 5-7 मिनट और टाइम है। हल्का सा ऑयल का ब्रश मैंने ऊपर फेर दिया है। ऑयल का ब्रश फेरने से दोस्तों क्या होता है पता है, इसके ऊपर की जो लेयर है वो हल्की सी ब्राउन होती, बिल्कुल बाजार के जैसे ही इसकी लेयर हो जाती है। तो बस 30 मिनट्स के अंदर हमारी ब्रेड पक जाती है। मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना पकाएं, मीडियम फ्लेम पर पकाएं। 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक कर लें, करीब करीब 30 से 35 मिनट्स में ब्रेड पक जाती है। बस थोड़ा सा ठंडा हुआ है टिन और मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ। आप कह सकते हैं ना दोस्तों कि बाजार के जैसी ही है और आपको खुद को इतनी खुशी होगी कि हमने कितने हाइजीनिक तरीके से घर पर वो भी सैंडविच ब्रेड बनाई है जो कि हमारे बच्चों को, हमको खुद को बहुत पसंद है। और दोस्तों बहुत दिन हो जाते हैं तो ब्रेड की याद तो सबको आ ही जाती है। तो आप इस वीडियो को देखें और ज़रूर बनाएं दोस्तों, आपको खुद को बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए कटिंग करके दिखाती हूँ, किसी भी चाकू से काटें, आपके पास जो चाकू है आप इसे काट सकते हैं। तो बस एक एक पतली पतली स्लाइस आप कर लें, आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी स्लाइस भी कर सकते हैं, मोटी भी कर सकते हैं, पतली भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेड के स्पॉन्ज से आप अंदाज लगा सकते हैं, वाकई में ये जो ब्रेड बनी है बहुत ही, आप खुद देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं इसे कि है ये मार्केट के जैसी, कितना बढ़िया इसमें स्पंज आया, एकदम सॉफ्ट दोस्तों। और इसमें हमने जो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, मिल्क पाउडर इसे हल्का सा मीठा टेस्ट देता है और साथ ही साथ रिच टेस्ट देता है, बिल्कुल सूखी ब्रेड नहीं लगेगी दोस्तों, जैसे कि आप बड़े बड़े बेकरी में खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसे ही लगेगी। और कितने अच्छे से, अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी सभी स्लाइस काट ली है। तो मेरे कहने से दोस्तों ज़रूर बनाएं और ये गर्मा गर्म ब्रेड का आनंद ज़रूर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये ब्रेड का, सैंडविच ब्रेड का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अपने पसंद की सैंडविच बनाएं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं उस ब्रेड लोफ से मैंने कितने सारे स्लाइस काट लिए हैं, 2-3 स्लाइस तो मेरे बच्चे खा भी चुके हैं दोस्तों बटर लगाकर, क्योंकि इतनी नरम है, इतनी बढ़िया लग रही है दोस्तों कि आप बनाएंगे ना तो आप खुद बनाते बनाते 2-3 खा लेंगे। तो चलिए एक ब्रेड तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वीट सी हमारी ब्रेड बनकर तैयार है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।